नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का त्यौहार आने को है, पर एक और दिवाली मनाई जाने वाली है, वो है अयोध्या की दीपोत्सव कार्यक्रम। वो अयोध्या जो कभी भगवान राम के लौटने का साक्षी बना था, तब भी दिवाली मनाई गई थी, त्यौहार मनाया गया था, वो परंपरा आज भी चली आ रही है। और दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से लगातार रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। 17 से शुरुआत हुई तब से लगातार अनवरत जारी है और साल दर साल दियो का रिकॉर्ड बढ़ता चला गया। इस बार 24 लाख से ज्यादा के दिए जलाए जाने वाले हैं। 24 लाख दिए, गोबर के दिए भी रहेंगे और लगभग लगभग 51 घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा और जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो बड़ी पहल भी होती है। बड़ी पहल होती है, बड़ी व्यवस्थाएं भी होती है और रुचि के हिसाब से यहां पर लोगों को समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की बातें होती है या कार्यक्रम होते हैं तो कहा जाता है कि केवल और केवल यहां पर धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। पहले भी कहा गया है और ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार कहा गया है कि धर्म की राजनीति, राजनीति राजनीति, उसमें धर्म की कोई अलग व्यवस्था नहीं है। पर ना जाने क्यों धर्म पर राजनीति टिक चुकी है, क्योंकि ये राजनीति की देन बीजेपी नहीं बल्कि तमाम दल भी हैं। पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को, किसी धर्म के कार्यक्रम को आप राजनीति जोड़ना गलत है, जोड़ना भी नहीं चाहिए। दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, 24 लाख दिए जलाए जाएंगे और एक फिर रिकॉर्ड बनेगा, लगातार रिकॉर्ड बनना जारी है और 11 नवंबर को फिर एक रिकॉर्ड का साक्षी उत्तर प्रदेश बनेगा। वो प्रदेश जो राजनीति तय करता, वो प्रदेश जो तय करता है कि इस बार केंद्र में सरकार किसकी बनेगी, वो प्रदेश जो जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। अगर आबादी देखेंगे तो एक देश के बराबर है, हमारे पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। और जब यहाँ पर राजनीति की बात आती है और धर्म की बात ना हो तो करना बेमानी है। इतिहास बनता है, इतिहास के साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं बनती हैं और आज भी इतिहास बना, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई, 14 प्रस्ताव भी पास हुए और प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर अयोध्या को तमाम तरह की सौगातें भी दी गई। 3 परिसर भी बनेगा, म्यूजियम भी बनेगा, शोध संस्थान भी बनेगा और देश का एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा जिसको लेकर लोग केवल सपने सजोए हुए थे। अगस्त 2020 में निर्णय आया, उसके बाद जो निर्णय आया उसके बाद से शिलान्यास हुआ और शिलान्यास होने के बाद एक ऐसा आधार रखा गया जिसकी साक्षी लगातार अयोध्या की जनता भी बनती आ रही है। 22 जनवरी को और एक इतिहास बनने जा रहा है, एक और पौराणिक इतिहास बनेगा। मैं पौराणिक इसी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात जब धर्मशास्त्रों से और श्रद्धा की होती, धर्म की होती है तो पौराणिक इतिहास ही बोला जाएगा, कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, पौराणिक इतिहास। और पौराणिक इतिहास बनेगा यहाँ पर अयोध्या 22 जनवरी को, जब यहाँ पर राम मंदिर की शुरुआत होगी। शिलान्यास पहले हो चुका है और यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। देश को एक बड़ा तोहफा, नई सौगात व्यवस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा और लंबे अरसे का, दशकों एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर फैसला आया था और फैसला यहाँ पर दोनों वर्गों ने बहुत सहमति के साथ स्वीकारा था, बिना किसी बवाल के और बिना किसी भेदभाव के। जब भी तारीखें आती थी तो कहा जाता था कि व्यवस्थाएं लगाई जाएं, कोई अप्रिय घटना ना घटे, पर जब फैसला आया तो लोग सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो। पर यहाँ पर हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत दोनों वर्गों ने इस फैसले को सहजता से स्वीकार किया। जिस वर्ग के खिलाफ आया था उस वर्ग ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति दी, कोई भेदभाव नहीं और कोई बवाल नहीं, कि तहजीब हमने सीखी है, संस्कार हमारी संस्कृति है और नैतिकता हमारा आधार है और जब हम इन बातों को समझेंगे तो बवाल की गुंजाइश नहीं है। पर यहाँ पर जिस तरह से दीपोत्सव हो रहा जा रहा है, एक नया इतिहास फिर, एक नया रिकॉर्ड फिर और एक नई व्यवस्था फिर यहाँ पर शुरू होने जा रही है। 11 नवंबर ऐतिहासिक दिन और यहाँ पर दीपोत्सव के माध्यम से एक नई नीति। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या दीपोत्सव से केवल यहाँ दीप ही जलाए जाएंगे या वास्तव में एक ऐसा लक्ष्य भी साधा जाएगा जो
अब तक नहीं संभव हो पाया है, क्योंकि हमेशा से यहां पर हिंदू वोट की बात चलती है और हर बात को यहां पर गहनता सोचना बहुत जरूरी। 24 चुनाव पास है और जब 24 चुनाव पास होता है तो यहां पर प्रत्येक कदम को बहुत सूझबूझ के उठाया जाता है। जैसा एक कदम आज उठाया गया कि वहां पर कैबिनेट बैठक हुई, इससे पहले हमने पता है कि प्रयागराज में वाराणसी में कैबिनेट बैठक हो चुकी है और इस बार अयोध्या उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक का साक्षी हुआ, क्योंकि यहां पर अयोध्या में भी एक और इतिहास रचने जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या थे बैठक के दौरान, उससे पहले वो रामलला भी गए, वहाँ दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए, वहाँ भी पूजा परंपरा की, और जिस तरह से वहाँ तस्वीरें आ रही हैं, सजा हुआ है, दीप लगाए जा रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, राजधानी लखनऊ से भी गोबर के दिए वहाँ भेजे गए, क्योंकि क्षण ऐतिहासिक है और यहाँ पर राजनीति भी जरूरी है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार करूं, भारतीय जनता पार्टी से शमशी आजाद अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव बात रखेंगे, और प्रख्यात धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु कंचन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमशी आजाद से। शमशी भाई, नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं दीपोत्सव का, होना भी चाहिए, लगातार रिकॉर्ड बन रहा है, और रिकॉर्ड के माध्यम से एक और नीति और सामने समझ में आ रही है। 22 जनवरी वो दिन भी आने वाला है, बहुत लंबा समय नहीं है, और एक अलग व्यवस्था को यहाँ पर आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आप एजेंडे में शामिल था, आप हमेशा बोलते चले आ रहे हैं कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में शामिल था, और जब से आपकी 17 में सरकार आई है तब से आप लगातार दीपोत्सव भी मनाते चले आ रहे हैं, कोई विरेक नहीं, कोई रोक नहीं और ना कोई अवरोध, सक्रिय राजनीति या वास्तव में इसके माध्यम से एक सही नीति, समझदार नीति और बेहतर रणनीति, जवाब आपको देना है। धन्यवाद आपका और इस पैनल में आज की चर्चा में बैठे हुए सभी मेहमानों को भी सादर प्रणाम नमस्कार जी, और आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी, कि आज का ये ऐतिहासिक क्षण दीपोत्सव जो अयोध्या में मनाए जाने की तैयारी अभी चल रही है जी, उसको आज के आपने डिबेट का मुद्दा बनाया और हम लोगों को अपनी अपनी बातें, अपनी पार्टी की नीति और बातें जनता तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म दिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मजबूत होती जा रही है, अच्छा, उसका सबसे पहली वजह, उसका सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, अच्छा, उन वादों को 80% तक उसने पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया। 80% आप जो भी कुछ कहेंगे गौरव जी, वो 20% में हमने इसीलिए छोड़ दिया है। अच्छा, अच्छा। तो ये पहली ऐसी पार्टी, आपने हमको दे दिया पहले, आप कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी और बाकी लोग बैठे वो भी कहेंगे, तो उन लोगों के लिए हमने 20% छोड़ दिया है। अच्छा। इसीलिए हमने कहा कि लक्ष्य 80% तक, उन्होंने पूरा भी हो जाएगा तो भी जो लोग विपक्ष में है तो भाई कह नहीं सकते कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, नहीं तो तुरंत उनको निष्कासन का लेटर थमा दिया जाएगा। अच्छा। उनको सिखा कर भेजा ही जाता है कि आपको भाजपा विरोधी बात करना है वहाँ पर और पूरी तरीके से ये करना, 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती है इन लोगों की, कुछ भी हो जाए भाजपा का विरोध करना है। अभी भाई साहब हमारे हैं, देखिए गुस्से में अभी से आ गए, बताएंगे ये। अच्छा। हम तो भाई हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अच्छा, गुस्से तो, में आ गए। हाँ, आ गए रमन भाई, गुस्से में आ गए। अच्छा। नाम हमने देखे किसी का लिया नहीं, अब आप नाम ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कुछ भी कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा, उसको चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे महिला बिल की बात हो, अच्छा, चाहे जो है तो संगठित अपराध खत्म करने की बात हो, चाहे भयमुक्त समाज की बात हो, चाहे गरीबी हटाओ का जो नारा था उस पर, चाहे गरीबों की मदद करने का, मुफ्त अनाज का, राशन का, आवास का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, हजारों ऐसी योजनाएं हैं, कन्या विद्याधन है, विवाह के लिए है, विकलांगों के लिए है, बहुत कुछ है, जलकर योजना, शौचालय, इतनी योजनाएं हैं कि हम लोग खुद भी नहीं याद कर पाते, रोज याद करना चाहते हैं याद नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, चुनाव में कही थी, चुनाव के पहले कही थी, उन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्यता के साथ पूरी तरीके से पटल पर लाने का काम कर रही है, और आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बने और उसके लिए प्रयासरत भी जनता खुद हमारे साथ है, चाहे दीपोत्सव में आप देख सकते हैं, चाहे अभी आप जो है जनवरी में जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, पूरे देश से लोगों को बुलाया गया है, विपक्ष के संभालने की जरूरत ही नहीं, अपने घर में दर्शन करने कोई भगवान का आ रहा है, आप बात तो सुने, दर्शन करने भगवान का कोई आ रहा है, कोई धार्मिक रैली या सार्वजनिक रैली तो है नहीं कि उसमें
जो है लाठी डंडा और वो लेके हमको जो है खड़े होकर बात बल्ली लगाना है, ये तो है नहीं भाई। दर्शन करने कोई आ रहा है तो जो आ रहा है वो श्रद्धा पूर्वक आ रहा है और आ रहा है दर्शन करने भगवान राम का, तो हमें नहीं मालूम कि भाई श्रद्धालु अगर जाते तो वहाँ अव्यवस्था वहाँ फैल जाती है। वो तो खुद व्यवस्थित होकर आ रहे हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए, जो हमेशा जो है कभी इसमें छप्पर में रखा गया, कभी पर्दे में रखा गया, कभी टेंट में रखा गया। आज उनको अगर भव्य मकान मिल रहा है, भव्य मंदिर में उनको सुशोभित किया जा रहा है, तो हमको तो ये समझना चाहिए कि विपक्ष में जो भी नेता हैं उनको तो कम से कम एक बार कम से कम अगर धर्म के नाते या राजनीति के नाते या हम कह रहे हैं इंसानियत के नाते तो या भारतीय नागरिकता के नाते कम से कम एक बार कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष यहाँ पर चंदा का जो आरोप लगाते हैं, चंदा में घोटाले का आरोप लगाते हैं। देखिए पहले ही आपसे कहा था ना कि आरोप लगाएंगे ये। अच्छा, आरोप से हम लोग जरा भी विचलित नहीं होते, हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष को इतना मौका देती है कि दिन रात आप आरोप लगाते रहिए। अच्छा, और हमको मालूम है कि आप आरोप बना के उसको मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बना के जब राजनीति करेंगे और जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आपका मुद्दा जो एक सप्ताह भी नहीं चलता, आपको खुद पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, बसपा ने, चार पांच पार्टियां जो मुख्य रूप से हैं, बहुत से मुद्दे उठाए लेकिन कोई भी एक सप्ताह तक नहीं चल पाया और उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा बना, तीसरा मुद्दा बना, तो मुद्दे सेनेटर है। हमारा मतलब जो है वो विकास से, हमारा मतलब जो है वो देश की जनता से है। देश की जनता के बीच में हम जाते हैं और प्रत्येक सप्ताह गौरव भाई राजनीति में आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है इतना कार्यक्रम नहीं करती जितना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छी समझ, बहुत सुंदर सुंदर आपने बातें कही, सबको अच्छा लगा, वैशाली यादव को हंसी भी आ गई। खैर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा जी, आपने अपनी बातों में एक बात कही कि जो हमारा एजेंडा था, रविंद्र भाई समझ गया मैं क्या बात करने वाला हूँ। आपने कहा कि संगठित अपराध, तो क्या आप संगठित अपराध खत्म करने आए थे कि अपराध खत्म करने आए थे? अपराध तो संगठित क्यों बोले? अपराध संगठित ही तो होता है। अच्छा अच्छा, जो संगठित अपराध हुआ करते थे, जो गाड़ियों का काफिला चलता था, अच्छा अच्छा, जो बच्चे अगवा कर लिए जाते थे। गौरव भाई पहले जो होता था कि स्कूल आपका बच्चा जाता था, अगर आने में 10 बजे का टाइम है और 10:30 हो जाता था, अच्छा, तो घर वाले परेशान हो जाते थे, पड़ोसियों से पूछने लगते थे, अच्छा, स्कूल पहुंच जाते थे कि कहीं हमारे लड़के का अपहरण तो नहीं हो गया है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आज ये जो स्थिति है ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आप राजधानी में हैं, आप राजधानी में हैं, अगर आपका बच्चा या किसी का बच्चा विलंब से आता है, सुन लीजिए पहले बार, तो घर वाले परिवार वाले यही कहते हैं कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, कहीं स्कूल में रोक लिया गया होगा, बस खराब हो गई होगी, कोई वजह होगी। कम से कम इस चीज से निश्चित है कि उनका अपहरण नहीं हुआ होगा, तो ये चीजें। और उसके बाद ये होता था कि आपने छोटी सी पूंजी लगाकर जैसे ही घर भवन का अपना निर्माण किया, बुनियाद आपने खोदी नहीं कि लुटेरे पहुंच जाते थे टैक्स वसूलने के लिए, गुंडागर्दी लेने के लिए। तो ये सारी चीजें तो आप कम से कम जान ही रहे कि प्रदेश में खत्म हो चुकी है। वो जो गाड़ियों से काफिला चला करता था, खिड़की से बंदूक के नाले निकली रहती थी, फलाने भाई का मैं रिश्तेदार, ढकाने भाई का मैं रिश्तेदार, तो वो सारी चीजें तो अब खत्म हो चुकी है ना। आज कम से कम पूर्वांचल में जब महिलाएं यात्रा करती थी तो परिवार के लोग रोक देते थे, कह रहे गाजीपुर बलिया आजमगढ़ की तरफ मत जाना, वहां पे अपराधी हैं, लूट लेंगे। नोएडा गाजियाबाद की तरफ मत जाना, मुरादाबाद की तरफ मत जाना, मेरठ और सहारनपुर की तरफ मत जाना, उधर लुटेरे रहते हैं। लेकिन आज कम से कम आपको ये, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि आप बताएं, नहीं मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं किसी सरकार, आप खुद वहां पर पहुंच गए, हमको किसी की सरकार का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। भाई हमसे जो विपक्ष में है हम उसी का नाम लेना चाहेंगे, लेकिन बगैर नाम के जनता ने समझ लिया, इसके लिए धन्यवाद। अपहरण की बात करूं तो अभी हाल में कुशागर कनोडिया का अपहरण हुआ था यहाँ पर और उसकी हत्या भी कर दी, कानपुर की घटना है, इसकी चर्चा नहीं करूंगा। पर शमसी भाई यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा था रिपोर्ट सबका, रविंद्र भाई की मैं बात दूंगा। रविंद्र भाई आप मुस्कुरा भी दिए थे और शमसी भाई बोले कि आप नाराज भी थे, तो जवाब तो नाराजगी से देना पड़ेगा भाई, डिबेट है और यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं कहना बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं दीपोत्सव को? और शमसी यादव ने कहा कि 80% वादे पूरे किए, 20% आपके लिए छोड़ दिया है जवाब देने के लिए। रविंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी हाँ जुमलेबाजी करती है, इनके गृह मंत्री कह चुके हैं। अच्छा जुमले कह चुके हैं, अच्छा तो हम लोग को कहने की आवश्यकता नहीं। उसने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे जी शायद 10% भी पूरे नहीं किए, जिसका कारण है कि 21 राज्यों से घटके 7 राज्यों में चुनी हुई सरकारें आ गईं। बिल्कुल, पिछले 9 चुनाव लगातार हार गए, आखिरी चुनाव इतनी बेइज्जती से हारे इतना तो भारतीय जनसंघ के टाइम में नहीं हुआ था, लद्दाख पर्वतीय परिषद का। बिल्कुल, 26 में से 2 सीट पाए, बाकी इंडिया गठबंधन ले गया जी। तो ये तो इनका चुनावी परिणाम है। अच्छा, फिर जातिगत जनगणना
जो हम लोगों की मांग है पुराने समय से, इसकी मांग है। अच्छा, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी? हार तो पहले से रही है। हमारे नए मांग से या भारतीय समाज के 85% वर्ग के हित के लिए जो हम मांग कर रहे हैं उससे घबराई हुई है? ठीक, तो क्या करती है? प्रभु श्री राम का सहारा लेती है। अच्छा, सहारा ले लिया। अब देखिए वहां, हाँ, अब वहां जाति क्यों है? वहां जाति है भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, प्रायश्चित करने जा रही है, क्या बात। कैसे प्रायश्चित करती है? एक तो संवैधानिक अपराध किया है वहां पर उसने। अच्छा, उस स्थान पे जो विवादित स्थल था, अच्छा, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने स्टे दे रखा था, उससे पहले भी स्टे था, ठीक, उस स्थान को इनके उन्मादियों ने चढ़ के गिरा दिया 1992 में। ठीक, जिस स्थान को गिराया जी, उस स्थान पे 1949 में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित किया था जी, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जी। 1949 से 1992 तक जब तक इन्होंने उस स्थान को नहीं गिरा दिया जी, तब तक पूजा चल रही थी। तो ये धार्मिक पाप किया हुआ गिरा के। अच्छा अच्छा, आर्थिक अपराध किए, उसके नाम पे चंदा जुटा, बताते हैं कोई 30,000 करोड़ बताता है कोई कितना, उसका पता नहीं है आज तक। फिर दूसरा, अयोध्या जी को भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों ने ऐसा लूटा, अच्छा, पता नहीं आक्रांताओं ने भी उतना लूटा रहा होगा कि नहीं लूटा रहा होगा, ठीक है। फिर इन लोगों ने सामाजिक अपराध किया। सामाजिक अपराध कैसे किया? सत्ता पाने के लिए हिंदू जनता को गुमराह किया, अच्छा, और झूठ बोला। प्रभु श्री राम के पूजा स्थल को गिरा के इन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा दिया, ये झूठ बोला इन्होंने। और अयोध्या जी की जनता, जहां पर 40,000 की कैपेसिटी थी, वहां पर 8-8 लाख लोगों को घुसेड़ दिया इन लोगों ने, और वहां की जो बाहर से उन्मादी तत्व आए थे, जो उसमें अपराधी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने वहां की जनता के साथ लूट लिया, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया, ये सामाजिक अपराध किया उन्होंने, उसी के प्रायश्चित के लिए जाते हैं। परिणाम क्या हुआ जी? 92 में जो इनकी सरकार ने इस्तीफा दिया, 93 में हार के बाहर हो गई, 96 में झूठ बोल के सरकार बना लिया 13 दिन तक, वो भी गिर गई। ये भारत की जनता ने परिणाम दिया था, और उसमें शामिल, उस धार्मिक अपराध में शामिल अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार, उमा भारती, मुख्तार नकवी, सब किनारे हो गए पाप पाप के तले। अच्छा, अब जो नया पाप ये लोग कर रहे हैं अयोध्या जी को लूटने का, अच्छा, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दीपोत्सव मनाने जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, खुशी हो रही कि नहीं हो रही आपको? हर चीज में तो रिकॉर्ड बनाते हैं ये। अच्छा, अभी पेड़ लगवाया 131 करोड़ पेड़। हाँ, मैंने RTI भेजी है कि स्थान दे दीजिए। अच्छा, उसका उसका फर्स्ट अपील भी कर चुका हूँ, अभी देने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो हर चीज में तो रिकॉर्ड बनाते हैं ये। दीपोत्सव में खुशी हो रही कि नहीं हो रही आपको? अच्छा, अरे हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। अच्छा, अभी मैं इनसे मैं प्रश्न कर दूंगा। हाँ, वहां पर माता सीता की रसोई थी। हाँ, वाल्मीकि जी की मूर्ति थी। अच्छा, वो वाल्मीकि जी महाराज वहां कहां चले गए जिन्होंने उनके ऊपर महाग्रंथ लिखा? अच्छा, वो सीता रसोई कहां चली गई जहां जाके हम लोग रोड चढ़ाते थे, वो कहां चला गया? और सुन लीजिए, उस स्थान को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, क्योंकि एक पहली बार प्राण प्रतिष्ठा किया था दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, चूंकि उस स्थान को गिरा दिया गया जी। तो प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म गुरु से होना था। अच्छा, तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वो चार पीछों के हैं जी, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? अच्छा, उनको नहीं बुलाए थे? कहीं नहीं बुलाया, अब तक नहीं बुलाया। अच्छा, नहीं बुलाया। तो जब हिंदू धर्म हिंदू धर्माचार्यों को, मतलब हमारे लिए चारों धाम वैसे ही है जैसे मुस्लिम के लिए हज होता है, बिल्कुल, तो जब हमारे चारों धाम के पीठाधीश्वरों को नहीं बुलाया जाता, कैसे हिंदू हैं ये? अच्छा, कौन करेगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा? नरेंद्र मोदी करेंगे, जिनके ऊपर ये आरोप है कि करवा चौथ भी मनाने नहीं जाते हैं, वो करेंगे प्राण प्रतिष्ठा? तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, इवेंट
ये हिंदू धर्म का शोषण कर रहे हैं, इवेंट है, मैं इवेंट है, आपत्ति हिंदू धर्म का शोषण कर रहे हैं, व्यक्तिगत कटाक्ष व्यक्तिगत अगर कटाक्ष करेंगे तो हमारे ख्याल से हम अगर शुरू हो जाएंगे तो ये भाग जाएंगे डिबेट छोड़ के, क्योंकि इनके इनके नेताओं के मैं चिट्ठे खोलने लगूंगा तो चाचा और भतीजा सब आ जाएंगे और पूरे प्रदेश को मालूम है, नहीं पूरे प्रदेश को मालूम है उनका तिरिया चरित्र किस तरीके का। आप बात राजनीतिक करिए, धार्मिक करिए, व्यक्तिगत अगर टिप्पणी करेंगे तो आपको रविंदर सिंह पता अच्छे तरीके से, आप खुद कीचड़ में हैं, आप खुद गंदगी में हो, दूसरे को बता रहे कि दामन में दाग लगा है, गंदगी में तो तुम हो, गलत एकदम, आप बात बात करिए, तार्किक बात करिए, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, योगी जी के बारे में टिप्पणी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम साफ, अरे मत कर यार बर्दाश्त, नहीं आप व्यक्तिगत टिप्पणी कह रहे हैं, नहीं हम भी शुरू हो जाएंगे, मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर महिलाओं की लाइन आपके कार्यालय में जो लगी रहती है ना पूरा खुल जाएगा, कहाँ कहाँ स्त्री होता है खुल जाएगा, हो रहा चले है। मैं वही कह रहा हूँ, चले ठीक है, तो वो खुल जाएगा तो पता चल जाएगा आपको, पर्सनल मत करिए, चले ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए, रमन भाई मेरा सवाल आपसे है, जो इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया है, चले ठीक है, रमन मेरा सवाल आपसे सिंपल सवाल है, बाकी मेहमानों को भी लेना है, और पूरा कर दे, एक चीज और कर दे, बोलिए बोलिए, रह रहा था सर जी, इन्होंने जो सबसे बड़ा अपराध किया है वर्तमान में जिसके प्रायश्चित के लिए जाते हैं, अच्छा प्रभु श्री राम को अवैध संतान बताया, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, अच्छा एक अपराध किया सिर्फ एक, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके, भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है कि एक अपराध किया है, अच्छा कितने बड़े अपराधी हैं ये, और उसको जब अपराध नहीं कहा जाता जनता ने कि बहुत अच्छा काम किया है, पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है ठीक है, अहंकारवादी समाजवादी सरकार को काम किया है, कितने बड़े अपराधी हैं हिंदू धर्म के, सुन पाने में सक्षम नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भूल गए क्या, माता सीता को स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भूल गए जिसके लिए शिवपाल यादव को आधा पड़ा सफाई देने के लिए, चलो ठीक है, आपके महासचिव हैं, बताना बताना पहले, आपके महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी बात आप भूल गए, जो आपके वेदों में जो आपके ग्रंथों में उसमें जो कमियां निकाल रहे हैं उनके बारे में आप बताएंगे, जो कहते हैं कि जैन धर्म जैन मंदिरों को बौद्ध मंदिरों को गिरा करके बनाया गया, आप उसके बारे में बताएं, आप बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया था, आप भूल गए, चले हो गया, आप क्या तो खुद ऐसा नेता की बयान देता उसके बाद शिवपाल यादव हो गया, सब दिया हो गया, हो गया, प्रवक्ता प्रवक्ता बात पर प्लीज, रमन भाई मेरा सवाल आपसे, चले हो गया, किसने कहा, रमन भाई हो गया, मेरा सवाल आपसे, एक मिनट सर एक और, मुझे पता चल गया आपने हनुमान जी को, हाँ चलिए, वर्तमान मुख्यमंत्री ने दलित कह दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और वही 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 आपके अखिलेश यादव चुनाव में रामलला का दर्शन करने नहीं जाते हनुमानगढ़ी में, हनुमान जी का चरण छू के चले आते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर रामलला का दर्शन करने जाएंगे तो उनका जो अल्पसंख्यक कोट है वो उनसे खिसक जाएगा, इसलिए वही से दूर से दर्शन करके चले आते हैं और दर्शन करने नहीं जाते, राम का दर्शन भी नसीब वालों को होता है, राम का दर्शन जो है वो जो है बहुत धनी होते हैं जिनका भविष्य होता है उनको होता है, हर के नसीब में राम जी का दर्शन नहीं है, इसीलिए आज तक जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके नसीब में नहीं है कि वो राम जी का दर्शन करें, माता सीता को गाली देने वाले की मानसिकता बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य, बजरंग बली को, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब जिस दिन भी आइएगा उस दिन आप इस बात पर चर्चा करिएगा, मोहन भागवत आज की बात करिए, वेद में वेद के निरीक्षण की बात कही, आज की बात करिए, आज जो दिनोत्सव हो रहा है, जो आज अयोध्या जगमगाने जा रहा है उससे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आप ये बताएं, राम मंदिर बन रहा है आप इसके समर्थन में हैं कि नहीं, आप ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आप उस पर चल रहे हैं कि नहीं, समझे भाई, मोहन भागवत की बात करिए, चलिए हो गया, चलिए हो गया, मोहन भागवत की बात करिए, जिसने कहा, नहीं नहीं भूल गए आप भूल गए शायद मुलायम सिंह यादव जी को, कि जिन्होंने मुसलमानों का थोड़ा सा वोट पाने के लिए टोपी लगा दी थी और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, चले हो गया, हिंदू धर्म विरोधी भारतीय जनता पार्टी, हो गया हो गया हो गया, आप ही तो ठेकेदार हैं, आप तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म विरोधी, चले हो गया, विरोधी हैं, चले हो गया, आप डिबेट ड्रॉप कर दीजिए, चले समझे हो गया, रमन भाई मेरा सवाल आपसे, रमन भाई मेरा सवाल आपसे, बाकी मेहमान बोलिए, सवाल पूछिए, मेरा सवाल आपसे छोटा सवाल है जी, आपने इस कार्यक्रम को इवेंट बोल दिया, दीपोत्सव कार्यक्रम है, भगवान कार्यक्रम है, आस्था कार्यक्रम है, इवेंट क्यों बोल दिया भाई, तकलीफ है क्या आपको कार्यक्रम, इवेंट इसलिए है कि इन्होंने प्रभु श्री राम को गाली दिया, माता सीता को गाली दिया, अच्छा
हनुमान जी को गाली दिया, चले ठीक, उसके प्रायश्चित के लिए जाते हैं और जो वहां पर कार्रवाई करते हैं हमारे पैसे से करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से करना चाहिए था, चले ठीक है, नहीं होता है का पैसा लगा है कि और उनके पास बॉन्ड के रूप में बहुत पैसा है, चले हो गया, करना चाहिए था, चले हो गया, रमन मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, चले हो गया, मैं इवेंट चले हो गया, मैं प्रवक्ता कांग्रेस से बात लूंगा। चलिए विशाल कुमार यारो, विशाल शमसिया बोल रहे थे, कंजरा के बोले, मेरा जवाब ले ही नहीं रहे, मैं लूंगा नहीं, इनका जवाब तो वही दे सकते हैं। देखिए प्रवक्ता युवा कांग्रेस विशाल कुमार यादव, विशाल आप मुस्कुरा रहे थे शमसी की बात पर, ऐसी कौन सी बात करी शमसिया ने भाई, उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, खुशी है कि नहीं आपको? अब बुराई मत करिए, अगर खुशी जाहिर करिए, क्योंकि राहुल गांधी खूब जा रहे हैं, समय केदारनाथ भी जा रहा है, बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, बोलिए बोलिए। इसमें कई जरा जितने ही नहीं, इसमें तो भाजपा को स्तर की बात, और मुझे को राजनीति ढंग से देखता है। अच्छा, दीपोत्सव हो रहा है तो क्या इसमें गलत हो रहा है, होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी समर्थक में है इसमें गलत, इसमें गलती कहाँ है? अच्छा विशाल कुमार यादव, आपकी आपकी राय क्या है? देखिए लेकिन शमसी भाई, शमसी जी ने अपने बोलने के दौरान इन्होंने कहा कि हमारी सरकार 80% कर दी है काम, 20% हम लोग इन लोग के लिए छोड़ दिए बोलने के लिए। अच्छा, बोलने आपकी सरकार कुछ नहीं की है। अच्छा, कुछ नहीं की है क्या? किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ? अच्छा, किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ? आपके 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 गठबंधन दल के नेता ने तो 10% कहा था, आप कह रहे कुछ भी नहीं हुई। देख लीजिए, देखिए शमसी जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ भी सच में नहीं किया। चलिए घोटाला किया, सीएजी घोटाला किया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, हो गया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया है, कहा कि विपक्ष आरोप लगाती है, भाई आप गलत से गलत किए पर विपक्ष आपसे सवाल भी नहीं करेगा। अच्छा, आप जनता की वोट से सरकार बना ली और सरकार बन के बैठे हुए और सत्ता की भलाई करो, विपक्ष आपका सवाल भी नहीं करेगा। अच्छा, विपक्ष के सवाल आपको इतनी मच्छी लग गई? अच्छा, तो कहते हैं हमारी सरकार स्वतंत्र है, भाई जेन तेन प्रकरण लगाकर विपक्ष को, विपक्ष की सांसदी कार्रवाई को बर्खास्त करवा दे रहे हैं आप लोग, विपक्ष स्वतंत्र है। अच्छा, कहा सरकार में जनता सुरक्षित है, कोर्ट में वकील पर गोली ना करनी, इनकी सरकार ने इलाहाबाद किन धारे गोली मार कर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही विशाल यादव, आवाज नहीं, असल में आपका उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं, इसलिए आपका नेटवर्क लग रहा सही नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो दूसरों की आवाज को दबाने का काम करती है, दबा रहे हो तो आप भी आवाज यहां तक कैसे आती है? हमारे वहां बैठा हुआ है, हम तो कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी यही है, हम तो चाहते हैं कि आप वो भाई प्रवक्ता को ट्रेंड करके भेजती है, व्हाट्सएप मैसेज भी भेजती है, समझ हो गया, वो दूसरों की आवाज हो गया, तैयार बैठी हुई है। ठीक है, विशाल बोलिए। हाँ, इन्होंने हमारे संगठन पे बोला। अच्छा, शमसी भाई हमारे संगठन तैयार बैठी है, वो सत्ता तैयार बैठी है, आजम खान जी से मिलने की क्या जरूरत थी? उनके साथ में समझी के नेताओं को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपके माता का संगठन है, आपके माता का बहुत बड़ा विरोध किया है, हो सकता है अमित शाह हो गया, मुझे डिबेट कंटिन्यू कर रही है, बता लेना, बोलिए विशाल यादव, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा, मेरा एक सवाल आपसे केवल, विशाल यादव मेरा सवाल आपसे, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए फिर बोलिएगा, विशाल यादव इनके सरकार में कोर्ट में, इनके सरकार में कोर्ट में, चले ठीक है, तीन धारे हमला होगा, चले मैं आप सब सुनते रहिए, चलिए चलिए, इलाहाबाद में तीन धारे, चलिए हो गया हो गया हो गया, चलिए हो गया, सरकार में पुलिस दीपोत्सव पे बोल रहा है, मुद्दा अलग है भाई, मुद्दा अलग है, ठीक है, चलिए आप तो जब राम मंदिर का वो चंदे का वो हो रहा था तभी से लगातार संजय सिंह आपके जो नेता है वो अपनी आवाज मुखर कर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, खैर उनकी बात नहीं करूंगा, दीपोत्सव होने जा रहा है और भव्य कार्यक्रम है, रिकॉर्ड ही बनाया जा रहा है, 24 लाख दिए का 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, बड़ा कार्यक्रम अध्यात्म का दीपोत्सव लगातार 17 से लगातार चल रहा है,
आम आदमी पार्टी कैसे देखती है, और आपको खुशी है कि नहीं है? खुशी है, मुस्कुराहट दिख रही है आपकी। विकास श्रीवास्तव गौरव भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। गौरव जी, ये बात जो आपने कही ना कि प्रखर जी आपको खुशी है या नहीं खुशी है, मैं इस सवाल पर आपके आता हूँ। चलिए आ जाइए। देखिए मैं कुछ बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। समय है आपके पास? और मैं बिल्कुल मैं समय मुझे समय दीजिएगा, और आपके द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन है, मेरे बीच में बोलेंगे नहीं। नहीं बोलेंगे, रोक लिया मैंने सबसे, प्लीज। देखिए हाथ जोड़ लिए। दीपावली, दिवाली, दिवाली जो दीपावली त्योहार है वो सुपर समृद्धि का त्योहार है। हम सब माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, इस त्योहार पर। अच्छा, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त स्थिति ये हुई पड़ी है कि हम लक्ष्मी जी की अर्चना करते हैं और बेटियों को हम लोग भगवान लक्ष्मी की तरीके से उनको पूजते हैं। बिल्कुल पूजते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की बेटियों का नसीब इस प्रकार का है क्योंकि वहां का जो मुखिया है वो उनकी किसी प्रकार से कोई भी इज्जत नहीं करता। अच्छा, इज्जत नहीं करता, क्या बात। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिला दीजिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 112 की 300 से ज्यादा महिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संघर्ष कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ के आगे संघर्ष नहीं, भीख मांग रही है अपनी नौकरी के लिए। अच्छा, मगर योगी आदित्यनाथ जी उनको दीपावली में तोहफे के रूप में उनकी नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं जी। आपको बताना चाहता हूँ, इको गार्डन के अंदर जी वो संघर्ष कर रही है, वो योगी आदित्यनाथ से भीख मांग रही है हमारी नौकरी वापस करके, हम भी अपने अपने घर में दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी नौकरी छीन कर खुशी खुश होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले उन बच्चों को नौकरी देने का काम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, प्रवक्ता हमारी पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं बताना चाहता हूँ गौरव जी, मुझे 2 मिनट का समय। बोल लीजिए, बोल लीजिए। माननीय सांसद संजय सिंह लगातार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठों की जुमलों की झगड़े, भारतीय झूठा पार्टी है। अच्छा, झूठा पार्टी लगातार वो कहते हुए आए। चले ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए, फिकर हो गया। फिकर मेरे 2 सवाल आपसे है। मैंने आपसे पूछा, आपने पूरी बात को डायल 112 पर कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं। एक सवाल मेरा आपसे, जब आपने डायल 112 की बात की है, मैं बात सब करूँगा। डायल 112 पे जब यहाँ पर लड़कियाँ आंदोलन कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी वहाँ पहुँची है और इस बात के लिए होना भी विपक्ष की भूमिका निभाई है, कांग्रेस भी पहुँची है, आम आदमी पार्टी पहुँची क्या वहाँ? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा, इको गार्डन पे वहाँ पे उन बच्चियों से मिलने पहुंचे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा संघर्ष करने पहुंचे होंगे। अच्छा, मिलने गए थे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो को कॉपी तो कर सकती है, उसको लागू नहीं कर सकती। दिल्ली का बेटा है जो दीपावली आपको खुशी हो रही की नहीं हो रही दीपोत्सव की? चले, आपने लक्ष्मी जी की बात कर ली, आपने डायल 112 की बात कर ली। अरे पकड़ भाई, पकड़ प्लीज, मैं कह रहा हूँ आज दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दीपोत्सव यानी दिवाली, दीपों का त्यौहार यानी दिवाली, तो 11 नवंबर को वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर रामलीलाएं भी होगी, 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, 51 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे, उससे खुशी हो रही कि नहीं हो रही है, प्रसन्न है? मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ गौरव भाई, मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन उन 300 बेटियों को, उन 300 बच्चियों को
जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उनके घर में दीपावली का जिस दिन मन गई चले उनकी नौकरी चल चल ठीक है चले हो गया खुशी का वक्त होगा चल ठीक है हो गया चल ठीक चले ठीक है मैं वेट करूंगा ठीक है मैं उम्मीद करूंगा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु कंचन द्विवेदी बैठी हुई हैं। कंचन जी सबको सुना, रविन भाई को सुना, विशाल कुमार यादव को सुना, पिखर श्रीवास्तव को सुना और शमशी यादव को सुना। भव्य कार्यक्रम हो रहा है, भव्य दिवाली, और 17 से लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 17 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे और आज वो कारोबार लगातार बढ़ता हुआ 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बड़ी तैयारी, बड़ी यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, पर यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि केवल और केवल अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस तरह कार्यक्रम करा रहे हैं। और जहाँ तक रविंद्र प्रताप सिंह ने इसको इवेंट बोल दिया कि इवेंट है, कुछ नहीं इवेंट है, अपने पापों को धो रहे हैं और इवेंट के माध्यम से एक अलग तरह की रणनीति यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपका क्या जवाब? जी गौरव जी, देखिए ये हमारे लिए बहुत ही एक विशेष दिन है, विशेष पर्व है, मैं कहूंगी कि ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। एक बात तो ये है ना कि अगर आपको ये चीज खराब लग रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में कोई खराबी होगी। खराबी हो गई, बिल्कुल बात है, क्योंकि अगर आपको राम बुरे लग रहे हैं तो मुझे लगता है, मेरे धर्म में कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, तो अगर जो राम का नहीं हो सकता ना उसको छोड़ देना चाहिए। और जैसा कि जनता ने सबको छोड़ दिया है, विपक्ष को छोड़ दिया और एक ही सरकार आज आप देख रहे हैं कि वो पृष्ठभूमि पर है, और जिसने राम को पकड़ा है उसे जनता ने भी पकड़ा है, तो अच्छा, ये यथार्थ दिख रही चीजें हैं। अच्छा, तो मैं कहूंगी कि अगर आप को राम बुरे लग रहे हैं तो जनता आपको कभी भी पसंद करने वाली नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात, अभी मैंने सुना समाजवादी प्रवक्ता के दौर पर कि वो बैठे हुए रमन जी बोल रहे हैं कि धर्म गुरु को नहीं बुलाया जाता, तो मैं कहूँ पहले तो आपको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए धर्म के बारे में, तब आपको धर्म के लिए कुछ भी बोलना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है, क्योंकि वो भी धर्म हिंदू धर्म से ही है, और हिंदू धर्म में ये बहुत गलत है कि कोई भी कहीं से उठा के कुछ भी बोल देता है। अच्छा, जबकि और अन्य धर्मों में मैंने देखा है जो जिसके पारंगत लोग हैं वही बोलते हैं, ये बहुत बड़ी खराबी है हमारे हिंदू धर्म में, और मुझे लगता है कि इसका सुधार होना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि जब शंकराचार्य जिनकी वो बात कर रहे हैं, शंकराचार्य कब आते हैं। पहली बात तो आज जो हो रहा है वहां पर जितने भी कार्य हुए हैं, वहां कोई भी पूजा हुई है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, राम मंदिर की मूर्तियां रखी जा रही है, राम मंदिर में पूजन हो रहा है, मंदिर का प्रभार बन रहा है, तो बिल्कुल आगे जो हुआ और आगे होने वाला है वो सारे कार्यों को लेकर के जो पांडित्य कर्म होता है ना, उसके लिए पंडित लोग अलग से होते हैं, वो विधि विधान और कार्य के साथ में पंडित कर्म करते हैं, कर्म कांड की विधि में आता है, उसे हमारे शंकराचार्य नहीं करते हैं। शंकराचार्य हमारे पूजन के लिए होते हैं और वो खुद पूज्य होते हैं, शंकराचार्य भगवान होते हैं, तो इसलिए वो पूजा करने नहीं आ सकते, हम उनकी पूजा करेंगे। और जब जो ऐसे कार्यक्रम पड़े हैं, उत्सव पड़े हैं, तो आदि आदि सभी ग्रंथों को लेकर के सारे साधु महात्मा सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ऐसे कार्यक्रम में कोई उत्सव में आया नहीं है, बहुत सारे संतों का सम्मेलन हुआ। आपको शायद मालूम नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी आपको कि चित्रकूट में पूरा देश का संत एक साथ आया था और इस राम मंदिर के लिए सभी ने समर्थन किया था और सभी उसमें उत्साहित हुए थे, सभी लोगों ने इस चीज को मनाया था। लेकिन जहां जो जैसे परंपरा और जिस विधि के हिसाब से आ सकते हैं वो वहीं आएंगे, तो ये पहले तो नॉलेज की बात है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि लक्ष्मी जी, शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देवी लक्ष्मी होती, तो मैं उनको बता दूं, और बेचारी हैं, कभी भी स्त्री बेचारी नहीं हो सकती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। स्त्री से पुरुष पैदा हुआ है, स्त्री ने ईश्वर को भी पैदा किया है, इसलिए वो कभी बेचारी नहीं है। हाँ, आप उसके लिए क्या अपने लिए कर सकते हो, उसके तौर पर अपने लिए क्या कर सकते हो, अगर आप उसका पैर छू रहे हो तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने ऊपर एहसान कर रहे हो और उससे आशीर्वाद ले रहे हो, क्योंकि वो ही लक्ष्मी है, वो ही देवी है, वही आपकी जननी है, तो इसलिए उसे बेचारा ना कहें और वो अपनी सुरक्षा, क्योंकि जो स्त्री होती है ना, वो जब पुरुष छोटा होता है ना, वही उसकी सुरक्षा कर रही होती है, तो वो अपनी सुरक्षा करने के लिए एकदम परिपक्व है, उसको किसी सुरक्षित करने की या सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये तो आपके फर्ज है, आप उसको कितना सम्मान दे सकते हैं वो अलग माजरा है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सवाल आपसे है, आपने यहाँ पर कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो जो राम भगवान राम पर और माता सीता पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं वो काम के हैं कि नहीं है?
बिल्कुल नहीं, जो राम पर कटाक्ष रमन भाई ने कहा था, रमन भाई ने कहा था, मैं नहीं नहीं अगर काम के होते निंदा तो होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल, जो है कि नहीं है? बिल्कुल निंदनीय है, अगर वो काम के होते तो आज काम में होते ना, वो काम के नहीं है इसीलिए तो काम में नहीं, सरकार में मंत्री है भाई, ऐसी बात नहीं है, मंत्री हो सकते हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है मेरी तरफ से और राम की तरफ से भी नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं हो सकता वो किसी काम का नहीं हो सकता, राम माने राम नहीं है, एक बात और गौरव जी, इसको पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, राम माने अच्छाई, राम माने सच्चाई, राम माने धर्म, राम माने वो सारी चीजें जो अधर्म से रिलेटेड ना हो, जो धर्म से रिलेटेड हो, जो अच्छाई से रिलेटेड हो, वो राम है, राम एक किसी व्यक्ति वस्तु या किसी एक एक व्यक्ति का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, राम माने पूरे जगत की अच्छाई का नाम, क्या बात, मरण पुरुषोत्तम श्री राम जी, बिल्कुल, इसलिए मैं कहूंगी जो होने जा रहा है जनवरी में, तो आपने यह भी कहा कि जो भगवान राम या माता सीता पे टिप्पणी करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, कोई भी हो, वो भी किसी काम के नहीं, ठीक है, चलिए समझिया जा, आपने शेखर श्रीवास्तव को सुना और रमन भाई को सुना, विशाल को सुना, कंचन को भी सुना, धर्मगुरु को सुना, शेखर श्रीवास्तव ने यहाँ पर डायल हंड्रेड की बात कर दी और रमन भाई ने तमाम बातें आपसे कही, आपकी तीखी बहस भी उनसे रही, इवेंट बोल रहे हैं, सीधा सीधा इवेंट है, आप बोल रहे हैं भव्य कार्यक्रम है, रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और आपकी परंपरा है और आपकी आस्था है, रविन भाई के लिए इवेंट है और प्रवक्ता आपने कह दिया है कि उन्हें खुशी जब होगी जब डायल हंड्रेड को आप डायल 112 को आप उनको लड़कियों को नौकरी दे देंगे, समायोजित कर देंगे, उनको आपके दीपोत्सव कार्यक्रम की खुशी नहीं, जवाब जवाब तो देखिए हमारी बड़ी बहन है और धार्मिक गुरु है, यहाँ पर कंचन जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं उसको थोड़ा सा बस थोड़ा आपके लिए भी कही है वो, ये डिफाइन कर दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि जो राम करे वो किसी काम करे, ये सही बात है, क्योंकि राम विरोधी जो लोग हैं उनको देश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, अच्छा, यही वो लोग थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त भी इन लोगों ने नाराज, जो हमारी बहन ने कहा है वो आदित्यनाथ जी के लिए कहा है, जो हमारी बहन ने कहा है सुनील शर्मा के लिए कहा है, जो हमारी बहन ने कहा है वो संजय निषाद के लिए कहा है, योगी दल ये तो इन्होंने साबित कर दिया किसी काम का नहीं, समाजवादी पार्टी किसी काम की नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी काम की नहीं, आम आदमी पार्टी किसी काम की, यहाँ तो तीनों पार्टियों का चरित्र एक है, तीनों पार्टी राम के विरोधी है, हमने राम जी को गले लगा लिया, हमने अयोध्या को चमकाने का काम किया, हमने रामलला का भव्य मंदिर तैयार किया, आपके गले में छछुंदर चली गई है, आप हाथ भी नहीं ले पा रहे हैं, नंगल पा रहे हैं, आप असल में जाए भी नहीं पा रहे हैं, राम का समर्थन किया तो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक वोट आपके साथ में वो खतक जाएंगे और आपने आप लोग बारी बारी बोल इसको सारे के सारे भाजपा भी चले हो गया, बेचैनी ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे पे साफ दिख रही है, अच्छा और से दिल्ली का बेटा कह रहे थे, अभी जैसे ही उनके गरीबान तक ईडी की जांच पहुंची है वैसे ही रोड पर उतर आए, इसके पहले कभी रोड पर नहीं उतरते थे और आज भी जनता से दूर है, कहां बात कर रहे हो राम का मतलब भी नहीं मालूम, अभी हमारी बड़ी बहन ने आपको बताया राम का क्या मतलब होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को फिर से सुनिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर आप लोग जनता को धोखा देने वाले 12-17 तक देश को प्रदेश को लूटने वाले शेखर श्रीवास्तव विशाल कुमार यादव रमन भाई समझेगा, आप लोग डिबेट खराब मत करिए, मेरी महत्वपूर्ण डिबेट है प्लीज, हो गया आप लोग बारी बारी बोले प्लीज, मैं सबको मौका दूंगा, चलिए रमन भाई प्लीज हो गया रमन प्रताप सिंह प्लीज, चलिए हो गया रमन भाई,
मेरा कहना यह है जब आप हो गया होगा, जब आप एक साल बोलते हैं तो डिबेट समझ में नहीं आती है। तो मेरा ये अड़ाता है ना, उधर जाए तो हम भी उधर जाएंगे। गुंडागर्दी शब्दावली विचारधारा होता है रविंदर सिंह की, जो शब्द आप बोलेंगे वो रहती दुनिया तक रहेगा, और जो गुंडा भाजपा कहती है पूरा देश आपको गुंडा कहने लगेगा। शर्म आनी चाहिए आपको अपने शब्दों पर, बोलने के पहले शब्दों को तोड़ लिया करिए, अपनी गुंडाई हर जगह न दिखाया करिए। सरकार चली गई थी गुंडागर्दी पर, तो ऐसे सरकार की जरूरत क्या है? हाँ। अरे लूट लिया तो जनता को बताइए ना, जनता क्यों आपको बार बार धोखा दे रही है? ये बताओ, जनता क्यों आपको नकार रही है? आप राम विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप देश के गद्दार हैं, देश के लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले, प्रदेश को बर्बाद करने वाले, राम के घोर विरोधी, राम मंदिर के विरोधी, कितना विरोध आपका बताएं। इसीलिए जनता लगातार आपको चले हो गया, चली जा रही है, हर जगह चले हो गया। चलिए, अगर आप लोग एक डिबेट करना चाहते हैं, मेरा सबसे निवेदन है, जब आप एक सार बोलते हैं, सुन लीजिए, जितने डिबेटर हैं सब सुन लीजिए, जब आप एक सार बोलते हैं तो किसी की आवाज भी स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है पर जो जनता सुन रही है उनको समझ। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि बारी बारी से बात रखिए, अपनी बात रखिए, लड़िए, आप विरोध करिए, ये अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है, पर कम से कम मेरी बात को सुनिए और थोड़ा बारी बारी से बोलिए, तो जनता समझ पाएगी कि आप उस बात का जवाब क्या दे रहे हैं। चलिए, मैं कंचन को दोबारा लेता हूँ, फिर मैं रमन भाई पे आऊंगा। कंचन क्या बोल रहे हैं? गौरव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, अगर आपने ये बात कही है तो ये सबसे पहले शमसी पे लागू कर दीजिए। बिल्कुल, शमसी पे लागू होगी, बिल्कुल लागू। और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ये बात कही तो रविंदर प्रताप पे भी लागू होगी। दौड़ पे लागू होगी, चलिए ठीक है। देखिए, शमसी बोला बीच में ना आपने, रोका नहीं, अब तू बोल के देखना, अब तू बोल, जब चल देखते हैं अब तू कितना बोलता है। अगर आपने इसे लागू नहीं किया तो देख लीजिए, अभी आप ये आज ही नहीं, रमन भाई हो गया, रमन भाई हो गया, ये अपने चरित्र से, रमन भाई आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत पुराने प्रवक्ता चले, समझे? नहीं, आज ये आज सबक सिखाना है इसको, समझी को समझी भाई, प्लीज चलिए, इसको बता देना है। ठीक है, हो गया हो गया, रमन भाई हो गया, प्लीज हम लोग फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अभी दिवाली मना रहे हैं और इस तरीके से लड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, मंदिर का एक बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है, पर आप राजनीतिक अभी उसमें हैं इसलिए आप बोल नहीं सकते। तो देखिए भाई, दीपावली का माहौल है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीपावली मतलब दीपोत्सव, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो प्रकाश की तरफ जाने की आवश्यकता है और राम मंदिर के द्वारा प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, राम आ रहे हैं, राम विराजमान हो रहे हैं, राम जब विराजमान होते हैं ना तो तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब वो आते हैं ना तो उनके आने पर वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, उनके आने पर विषमताएं खो जाती हैं। तो जब राम मंदिर बन रहा है तो थोड़ा ये विषमताओं को खोइए और थोड़ा सा सभी लोग मिलजुल करके अच्छे से रहिए। जो धर्म कार्य है, जो अच्छा कार्य है, उसका सपोर्ट सबको करना चाहिए। अब समय कम बचा है, मैं प्रखर श्रीवास्तव को, प्रखर अपनी बात पूरी करिए, प्रखर श्रीवास्तव बोलिए। गौरव भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को अपने देखिए, मैंने आपको फिर बताया गौरव भाई, मैं आखिरी बार भी आपको मैं यही बताऊंगा, प्रखर श्रीवास्तव उस दिन खुश होगा, आम आदमी पार्टी उस दिन खुश होगी जिस दिन 112 की महिलाओं को नौकरी देने का संघर्ष करिए ना उनके साथ जाके। देखिए, संघर्ष कर तो रहा हूँ, लाखों दर्शक है, आपके लाखों दर्शक है, आपके लाखों दर्शकों को अपनी बात कहलवा रहा हूँ, पर दर्शक विपक्ष नहीं है भाई, रख रहा हूँ, दर्शक विपक्ष नहीं है, विपक्ष के काम है, नौकरी दर्शक बैठने नहीं जाएंगे वहाँ पर। ऊपर जो उनके ऊपर जो मुकदमेदार योगी आदित्यनाथ ने करे हैं वो वापस कर ले, तो आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी इसके लिए। आम आदमी पार्टी का देखिए, हर कार्यकर्ता हर तरीके से संघर्ष कर रहा है उन बच्चियों के लिए। आपके लाखों दर्शकों को आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि मेरे लिए उस दिन खुशी का वक्त होगा जिस दिन उन 300 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। चलो ठीक है भाई, मैं आपके चैनल पे आ गया, चलिए ठीक, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप योगी आदित्यनाथ से सर्वत प्रार्थना करता हूँ, मैं उसे निवेदन करता हूँ, 300 बच्चियों का आप नौकरी का जो आपने अरे व्यवस्था हो रही है।
कार्रवाई हो रही है, ठीक है। मैं वही गौरव जी कह रहा हूँ जी, आपके कारण, आपके कारण ही हो रही है, आपने निर्णय कर लिया, इसलिए चलिए ठीक है, हो गया। विशाल कुमार यादव की बात लूंगा, विशाल यादव बोलिए। विशाल जी, गौरव जी देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो भाजपा प्रवक्ता बीच में ना बोले, जब रोपे हो बबूल तो आम कहाँ से खाओगे, जब आपने दूसरे के बीच में बोले तो आपके बीच में लोग बोलेगा ही। देखिए इनके बात था, इन्होंने कहा ये लोग क्या हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष हिंदू विरोधी है। अरे आपका सहयोगी दल राम के जन्म पे अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है, आप उस सरकार में गठबंधन पे है, उनके गठबंधन के सहयोगी कहा गया बात है कि खीर खाने से क्या बच्चा पैदा होता है, तो कहीं उनका गठबंधन कब तोड़ रहे हैं वो, कहीं विपक्ष कहीं समाजवादी पार्टी कहीं वो भाजपा वाले गठबंधन कब तोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर ये हिंदू की बात कर रहे थे, राम मंदिर जमीन घोटाला में 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में बेची गई, 18 करोड़ में, सॉरी 18 करोड़ में बेची गई, क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? ये लोग जो आज झूठ सा ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, अरे राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट किया था, तो आज भाजपा जो कॉलर टाइट वो सब नहीं होता है। अरे राम मंदिर का श्रेय किसी को मिलता है तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को मिलता है, राजीव गांधी ने पहली बार राम भक्तों को राम मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिलाया था। अच्छा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का देन है, और पहले भी सुप्रीम हिंदू पक्ष के भाई और मुस्लिम पक्ष के भाई ने कहा था। अच्छा। कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है हम उसे मानेंगे, सर्वमान्य होगा, और लोग मान रहे हैं। तो बीजेपी जो अपनी कॉलर टाइट के घूमी था, आपकी सरकार तो 2014 में आई थी, 2014 में 2014 बन गया। राहुल गांधी फिलहाल यहाँ बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, केदारनाथ भी जा रहा है, अच्छी बात है। चलिए पिपरता सभा की बात है, आखिरी भी समझा अपनी बात रखेंगे। बोलिए रविंद्र भाई, बोलिए। बहन जी को मैं 2-3 चीज बातें कहना चाहूंगा। जल्दी बोलिए। हाँ, ज्योतिष पीठाधीश्वर ने जी आज से 6 महीना पहले मेरठ में जी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया। आप बताते हैं जी, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास जी 10 नवंबर 1979 को हुआ था जी, जिसमें शिलान्यास करने वाले महंत अवैधनाथ जी महाराज थे जी, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी भी थे, ठीक है। तत्कालीन मैंने कब मना किया कि ये लोग नहीं आते, मैंने कहा कि अन्य अन्य उत्सवों पर ये सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम शंकराचार्य को उठाकर जो तीनों पीठ के शंकराचार्य उनको उठाकर के हम वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आपको नहीं मालूम है कि वो चल भी नहीं पाते हैं? चले ठीक है, नहीं वो उनका देहांत हो गया जिनकी बात आप कर रही हैं। तो फिर आप किस बात पे कह रहे हैं? जब देहांत हो गया इसके बाद भी आप कह रहे हैं उनको आना चाहिए, वो कहां से आ जाए? सुन लीजिए कंचन जी, सुन लीजिए, वो कहां से आ जाए? सुन लीजिए, हां थोड़ा जल्दी चलिए। वो दो पीठ के पीठाधीश्वर थे, मैं आपसे सुनना चाहती हूं, आप सुनिए, सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आप पीठाधीश्वर कैसे? सुनना पड़ेगा भाई, सपा के गुंडे हैं, इनकी बात सुनना पड़ेगा आपको। गुंडे तू तेरा खानदान गुंडा, बीच में चालू हो गए, इनका आदत है भाई। सुनना अभी उसका ड्रामा, सुन लीजिए। हाँ, वो जिनकी बात आप कर रही थी उनका देहांत हो गया है। यही मैं आपसे सुनना चाहती थी कि आपको आपको इस बात का नॉलेज नहीं है क्या कि अगर वो होते? मुझको नॉलेज है, पहली बात तो वो आएंगे नहीं। अगर जो नॉलेज के लिए आप मुझे नॉलेज मत बताइए, देखिए वेद और कितना कौन सा वेद करा सकता है, कितना कौन सा वेद कौन पढ़ा है वो सब पता है हमको। आदित्यनाथ जी पहले कर लो, पता नहीं है लड़कों का क्या करेंगे, क्यों सुने आप? सुनिए, आप सुनिए, आप कर्मकांड पहले अपना कर लीजिए, क्योंकि आप अपनी कर्मकांड से ही बने हैं, लेकिन कर्मकांड मंदिर में जैसा होता है वैसा ही होगा, आपके कर्मकांड से नहीं होगा। उसके लिए पहले पंडित होना पड़ेगा, पहले वेदों का पठन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं कोई चीज कर सकते हैं। पंडित बनने के लिए 27 गुण हैं, जरा आप बता दीजिए कौन से 27 गुण हैं? लीजिए, पंडित बनने के लिए पहले तो आपको सिंह हटाना पड़ेगा, दूसरी बात के सारे ग्रंथों को पढ़ना होगा, दूसरी बात आपको सारे ग्रंथों को पढ़ना होगा, तब जाकर के आपको पंडित का मतलब समझ में आ पाएगा, आपको समझ में आएगा पंडित का मतलब। पंडित का मतलब ये जो आप 27 गुण लिखा हुआ है, अरे 27 गुण नहीं, एक भी गुण आप ला दीजिए अपने अंदर, आप एक गुण बता दीजिए कौन से हैं आपके अंदर जो पंडित बनने जैसे, एक भी नहीं तो आपने कैसे कहा कि आप
कर सकते हैं, आपको क्यों बुलाया जाएगा? पांडित कर्म करने के लिए एक पूरी परंपरा के साथ में आप गुदामत दिखाइए अंबेडकर के, आप सपा के प्रवक्ता वही रहिए, उसी लायक है आप। जवाब मिल रहा है, एक मिनट आपके पास है। जी देश विरोधी ये लोग हैं, तो अच्छा जवाब देना हम जैसे देशभक्तों को हाँ, अच्छा नहीं लगता है। देश में ऐसा काम हो रहा है कि जब पूरे विश्व की निगाह आपके ऊपर है, एक धर्म को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उनके अगर उपलक्ष्य में उनके मंदिर के सामने अगर जो इस तरीके का दीपोत्सव का जो अंधेरा चाह रहा है, ये जो अंधेरे में जाने का काम कर रहा है, उनको चाहिए कि ये भी दस दिए कम से कम। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा से जुड़ने का बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर होते होते डायल 112 पहुँची है और सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब देश में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए सबको अपना अपना समर्थन देना चाहिए। इवेंट है या नीति है या त्यौहार है, वो जनता डिसाइड करती है, जनता जानती है। दीपोत्सव कार्यक्रम है और दीपोत्सव भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब भी मनाया गया था, शुरुआत वहीं से हुई थी। जब शुरुआत हुई है तो अगर वही कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर सहमति और खुशी होनी चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आस्था विश्वास अलग है, भक्ति अलग है और राजनीति और रणनीति अलग है। तो यहाँ पर अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो उस पर अपनी सहमति जतानी चाहिए। राजनीति चर्चाएँ चलती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में ऐसी चीज़ों को ना ध्यान दें जिससे हमारे देश की संस्कृति खराब हो, नेतृत्व खराब हो, आधार खराब हो। हमारा देश व्यवस्थाओं से बना है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये हमारे देश का संविधान ही है जो हमको समान अधिकार देता है। और समान अधिकार हमको अपने अधिकार के लिए देता है, अपने काम के लिए देता है, तो वही संविधान हमको बोलता है कि जब देश की बात हो, जब देश की अच्छाई की बात हो और जब देश की कोई त्यौहार की बात हो तो खुशी सबको मनानी चाहिए, चाहे त्यौहार ईद हो चाहे दिवाली हो। तो आज की चर्चा मिलते हैं, नमस्कार।